प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी जानकारी से अवगत करवाना चाहूँगा। देखो साथियों, जो आपका रीट पात्रता का जो रिजल्ट जारी किया गया था और जिन साथियों की भाई पात्रता क्लियर नहीं हो पाई थी, जैसे मान लो किसी की भाई पात्रता से 4-5 नंबर कम भी हैं, 2 भी नंबर कम है या 1 नंबर भी कम है, जैसे मान लो आप OBC के कैंडिडेट हैं और आपका जैसे रीट पात्रता का जो परिणाम जारी किया गया था आपके मान लो 82 नंबर आ रहे थे, तो काफ़ी साथी अभी भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन दोबारा होना चाहिए। देखो साथियों, मैं मानता हूँ कि भाई बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन है वो जैसा होना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन वैसा नहीं किया, क्योंकि 1-2-3 नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इतने नंबर तो वैसे भी आपके आपत्ति लगाने से बढ़ जाते ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि सभी शिफ्टों का औसत निकाल के जो भी फ़ायदा हो सकता है स्टूडेंटों को देना चाहिए था, खासकर SST वालों स्टूडेंटों का इसका जो खामिया जाए बहुत ही ज़्यादा उठाना पड़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा साइंस वाले स्टूडेंट हैं रीट लेवल सेकंड में ज़्यादा पास हुए हैं, SST वाले कम पास हुए ना, क्योंकि SST वालों का पेपर हार्ड आया था। तो मेरा इन दोस्तों से निवेदन है कि देखो दोस्तों भाई, इन नंबरों में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है ना, आपका परिणाम दो जो रिवाइज होना था वो हो चुका है 2 दिन पहले, और नॉर्मलाइजेशन की आप उम्मीद करें नहीं। इब आपका अक्टूबर माह में क्या है, 3rd ग्रेड के जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट हैं वो भी मिलना अभी शुरू हो जाएंगे 10 या 15 के आसपास, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि भाई हमारी पात्रता क्लियर हो जाएगी ना, आप राम भरोसे ना बैठे रहें। दोस्तों मैं मानता हूँ, आपके पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ, साथियों मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों सच ये है कि आपको दोस्तों ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, इस यादों को भुलाना पड़ेगा। आप अपनी अगली नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करिए, आपके पास ऑप्शन है ना, आप 2nd ग्रेड करिए, आप 1st ग्रेड की करिए, या आप सेंटर की किसी भी भर्ती की तैयारी कर सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों दुनिया में ऐसे लोग बहुत हुए हैं जिनका 3rd ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका बाद में 2nd ग्रेड में भी हुआ है, 1st ग्रेड में भी हुआ है ना। तो हिम्मत मत हारिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही दोस्तों क्या है, मेहनत है ना, आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी मेरे दोस्तों।